हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आपने मेरी वीडियो देखी होगी जो दरियागंज वाली थी, तो उसमें हम बुक खरीद के लेके आए थे। तो निशु बहुत सारी बुक खरीद के लेके आई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन कौन सी बुक्स लेके आई आज। तो दिखाती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ये है स्टीफन हॉकिंग्स की द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये। खैर मैंने पढ़ी नहीं, तो निशु बता रही थी कि काफ़ी अच्छी है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए अभी आए हुए, तो बच्चों ने पढ़ ली। सेकंड है ये राधा कृष्णन पिल्लई की चाणक्य इन यू। ये मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, तो मुझे सीरियसली काफ़ी अच्छी बुक लगी है। ये मैंने रीडिंग करी है, काफ़ी अच्छी है वाली बुक। थर्ड है डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री। ये भी ये निशु के ही है काम की कुछ डिक्शनरी है केमिस्ट्री की, तो ये भी अच्छी बुक है। खैर बुक तो सारी अच्छी होती हैं। अब है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये मुझे ये मेरी फेवरेट बुक है। और एक बुक और फेवरेट जो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये अच्छी इसलिए है क्योंकि जब हम कभी हारे हुए होते हैं, तो मतलब जब इसको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट करने के लिए। हाँ, मोटिवेट करने के लिए मोटिवेट होते हैं इसमें। ये है अब्दुल कलाम आजाद जी की विंग्स ऑफ फायर। ये है अब्दुल कलाम आजाद जी की ऑटोबायोग्राफी है। काफ़ी अच्छी बुक है। निशु ने ये 2-3 दिन में पूरी पढ़ ली, कंप्लीट कर दी उसने ये। एक हैबिट। ये सारी मोस्टली बुक्स ना निशु की साइंस से रिलेटेड ही मिलेंगी। सेल्फ हेल्प साइंस से रिलेटेड ही बुक लेके आई थी। और ये है एक, ये है मेरी मोस्ट फेवरेट बुक, वो था पॉजिटिव थिंकिंग। और ये था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये मैंने मतलब कम से कम 6-7 चैप्टर इसके रीड कर चुकी हूँ, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। वो मैंने थोड़ी पढ़ी, ये मैंने ज़्यादा पढ़ी ये वाली, तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। ये थी हमारी सबसे सस्ती चीपेस्ट बुक बदलते पड़ाव, ओनली ₹20। गाइस 20 की थी, जो मैंने आपकी 20 की सेल दिखाई थी ना, उसमें तो 20 रुपीज में ये आई थी। हमने बस यही ली है और बाकी नहीं ली, क्योंकि और इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये एक नोवेल टाइप में थी तो मुझे अच्छी लगी, तो ये मैंने ली है बस वहाँ से, और नहीं ली हमने, और मतलब काम की लगी नहीं हमें। द एनार्की, ये हिस्ट्री से रिलेटेड बुक है, हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है उससे रिलेटेड बुक है। और ये आ गई सारी वो पढ़ा दी, और ये हैं सारी आदि की बुक्स जो आदि ने और निशु ने मिलके लिए, मतलब मेनली आदि ने ही ली है ये वाली बुक्स, आदि ने ही ली ये वाली बुक्स। तो ये है सारी डायरी ऑफ ए विम्पी किड। तो ये इसके कितने पोर्शन दिए इन्होंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे दी हैं। इसके मामा ले गए, अनिल ले गया कुछ, और कुछ इसके चाचू ने ले ली, तो ये कम से कम 8 या 9 थी उनके पास। ये 6 हैं अभी तो मेरे पास। ये इन्होंने मोस्टली कंप्लीट कर दी है, इन्होंने पढ़ दी है सारी की सारी, तो ये कंप्लीट है इनकी। तो इन्होंने कंप्लीट जो कर दी थी वो पहले अनिल को दे दी और फिर अपने चाचू को दे दी, तो और ये बाकी बाद में रहने के बाद कंप्लीट कर दी इन्होंने। तो ये भी मतलब हंसी मजाक की। ये है शर्लक होम्स की द गोल्डन ईयर्स, थ्रिलर बेस्ड बुक है। होमोडियस 3 पार्ट थे इसके, जो तीनों के दिनों निशु लेके आई है। एक ये है 21 लेसन ऑफ 21st सेंचुरी, ये है, और ये है, और एक पार्ट है ये स्टीफन का। ये तीन है, ये तीनों पार्ट है, तीनों जो तीनों हैं। तो निशु ना तीनों ही लेके आई थी, कि मेरे को तीनों का तीनों इकट्ठे ही चाहिए, पार्ट तीनों पार्ट ही चाहिए। ये नहीं होता ना कि कभी आधा एक पार्ट है एक नहीं है, तो तीनों ही ले आई थी। तो ये ना तीनों पार्ट ले आई थी निशु, तो ये तीनों पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट एक पार्ट ये मुझे नहीं पता कि फर्स्ट कौन सा है, ये और ये वाला, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है मैथमेटिक्स की। ये निशु की 10th क्लास की है। तो गाइज वहाँ मतलब आपको CBSE की NCERT की सारी बुक्स मिल जाती हैं रीजनेबल रेट पे। तो ये मतलब बाहर से 700 की पढ़ रही थी, मतलब जब हमने ऑनलाइन चेक करी, या मतलब यहाँ गुड़गांव में जाम शॉप पे देख के आए वहाँ पे, और वहाँ भी सिर्फ 280 की पड़ी है, और इस पे रेट भी उतना ही है, 700 रेट है इस पे।
और मतलब 700 से थोड़ी सी कम थी, और फिर हमें या सिर्फ वहाँ पे यहाँ 280 में मिल गई ये वाली बुक्स। तो आप अगर NCERT की या CBSE की अगर ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी मिल सकती है आपको बहुत अच्छे रिजनेबल रेट में। तो इनमें से 4-5 बुक हैं जो नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो बता रही मैं अनिल और के पास है या निशमा चाचू के पास है, विनोद के पास है, तो बस यही है। तो ये कम से कम थी हमारी, मतलब बहुत अच्छे रेट में पड़ गई थी हमारी, मतलब 2000 या 2.5 में पड़ गई थी, मतलब 3000 से कम थी, मतलब काफ़ी अच्छे रीजनेबल रेट में इतनी सारी बुक्स आ गई। आप जैसे इनके एग्ज़ाम होंगे तो हम दोबारा जाऊंगी मैं दरियागंज, मतलब किसी को लेनी है तो आप दरियागंज जा सकते हैं। वो मार्केट सिर्फ संडे को ही लगती है, संडे की मार्केट होती है वो, तो सुबह से ही 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है, शाम तक लगती है। तो आप लोग जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, जिनको मतलब बुक्स पढ़ने का शौक है, बहुत रीजनेबल रेट है वहाँ के। तो आपने शायद मेरी वीडियो देख ही ली होगी, आपको पता ही है कि कितने सेल वेल लगी रहती है वहाँ पे। तो अगर हम इन फ्यूचर दोबारा जाएंगे तो मैं दोबारा से एक फुल वीडियो फिर बनाऊंगी। तो अगर जिसको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन के लिए ऑल पे क्लिक जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।